हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अनएजुकेटेड बीन्स यानी कि ग्वार फली की सब्जी। तो सबसे फर्स्ट इसे आप अच्छे से धो लें और इस टाइप की छोटे छोटे पीसेस में कर लें कट। ग्वार फली को हमने बॉईल कर लिया है एंड साथ में हमने लिए हैं आलू। आलू को भी हमने बॉईल कर लिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और बारीक कटे हुए टमाटर। अब हमने ऑयल लिया है। ऑयल में आप सरसों तेल, रिफाइन तेल दोनों में से किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने ऐड कर दिया है जीरा। ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज और इन्हें हम धीमी आंच में ही करेंगे फ्राई। प्याज जब फ्राई हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक एंड लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं कटे हुए टमाटर, और टमाटर डालने के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। और फिर हमें इसे, जब हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, इसके बाद टमाटर को हम मंदी आंच में गलने के लिए ढक के छोड़ देंगे। सूखे मसालों में मैंने लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये लिए है मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे टमाटर हो गए हैं प्याज के साथ मिक्स यानी कि गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे सूखे मसाले और इनको भी हमें थोड़ा सा करना है पहले 1 to 2 मिनट फ्राई। फ्राई करते समय हमारी गैस की फ्लेम जो है वो रहेगी स्लो, क्योंकि अगर हम ज्यादा तेज आंच में अगर मसाले फ्राई करेंगे तो वो जल जाएंगे। इसलिए मंदी आंच में हमें इनसे 1 मिनट अच्छे से प्याज और टमाटर के साथ कर लेना है मिक्स। फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे मसालों के साथ टमाटर और प्याज हो गए हैं मिक्स अच्छे से। और जो ऑयल होता है, मसाले भूने जब जाते हैं ना तो ये जो ऑयल होता है ये ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब हमारे मसाले हो चुके हैं फ्राई। अब मसालों में हम ऐड कर देंगे हमारी ग्वार फली, जिसे हम अनएजुकेटेड बीन्स भी बोलते हैं। ओके, अब ग्वार फली का साथ देने के लिए हमारे आ रहे हैं आलू महाराज, क्योंकि आलू जो होते हैं वो किसी भी सब्जी का टेस्ट भी बढ़ा देते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को आलू पसंद होते हैं। तो हमने इसे थोड़ा सा क्रश किया है एंड हमें इसमें ग्वार फली के साथ कर दिया है मिक्स। और अब हम इसे अच्छे से दोनों मसालों के साथ में दोनों को कर देंगे मिक्स। फ्रेंड्स, हमारे इस सब्जी का कलर ना बहुत ही मजेदार वाला आया है। अभी हमें इसे सारे चीजों को मिला करके अभी हमें इसे 5 मिनट तक धीमी आंच करके ढक देना है। ओके, ढक के हमें इसे 5 मिनट कर लेना है अच्छे से फ्राई। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ग्वार फली की सब्जी बनके हो गई है तैयार। लेट्स एंजॉय चावल पराठा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।